आज मुंबईच्या शिवळी किल्ला येथे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी किल्ले सफाई अभियान महात्मा गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त राबविण्यात आले आहे. या अभियानात स्वतः फडणवीस यांनी झाडू मारून सफाई अभियानाला पुढाकार दिला. या अभियानात विद्यार्थ्यांनी पथनाट्य केलं. आयटीआयचे विद्यार्थी आणि काही स्वयंसेवी संस्था मिळून 350 किल्ल्यांची स्वच्छता करत आहे असे यावेळी म्हणाले. प्रधानमंत्री मोदीजीने स्वच्छ भारत अभियान इस देश में शुरू किया और उसके बाद लोगों ने भी बहुत बड़े पैमाने पर उसमें सहभागिता दी, सरकारों ने सहभागिता दी. अभी आज से जो अभियान शुरू हुआ है, विशेष रूप से महाराष्ट्र में हमारा जो कौशल्य विकास विभाग है उसके मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र के 350 किलो पर हमारे आईटीआई के विद्यार्थी और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर उन किलों की सफाई कर रही है. महाराष्ट्र का वैभव ये हमारे किले हैं. छत्रपति शिवराय शिवाजी महाराज इनके राज्याभिषेक को 350 साल पूरे हुए हैं, इसलिए 350 किलो को साफ करना, उसका जतन करना, इस प्रकार का प्रयास ये हमारी तरफ से हो रहा है. इसके साथ साथ सरकारी कार्यालय हो, अलग अलग प्रकार की जगह हो, सार्वजनिक जगह हो, सब जगह सफाई अभियान चल रहा है. मुख्यमंत्री जी भी चौपाटी पर सफाई अभियान कर रहे हैं, सारे मंत्री अलग अलग जगह सफाई अभियान कर रहे हैं. तो मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान का जो कॉल दिया था उसको एक प्रकार से बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में हम लोग स्वच्छता के माध्यम से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. इसके लिए अलग से फंड दिया जाएगा मेंटेनेंस के लिए, फोर्ट के साथ सफाई के साथ मेंटेनेंस को लेकर? हमने ये निर्णय किया कि डीपीडीसी में 3% फंड ये केवल मात्र किलो के लिए आरक्षित किया हुआ है, आवंटित किया हुआ है. इससे पहले किलो के लिए फंड्स उपलब्ध नहीं हुआ करते थे, इसलिए उसके जतन में या संवर्धन में कुछ कठिनाइयां आती थी, किंतु अब ये फंड हर साल उपलब्ध होने वाला है, इसलिए मुझे लगता है कि इसके माध्यम से हम किलो को साफ रख पाएंगे.